होती है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वासन देने के लिए आज आया हूं, विकास के लिए अयोध्या में पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, कोई पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। डबल इंजन की सरकार हमेशा अयोध्या की सेवा में है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। दीपोत्सव के मुख्य महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन एक नए अयोध्या की आहट को हम सबके सामने प्रस्तुत करता है कि हमें कैसी अयोध्या चाहिए और कैसा उत्तर प्रदेश चाहिए। दीपोत्सव के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का आगमन अयोध्या के प्रति उनकी सता निष्ठा को प्रदर्शित करता है, जो उन्होंने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए किए गए दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय के फलस्वरूप 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और आज अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। भाइयों बहनों, नहीं तो अयोध्या जब हम आते थे, यहां के संतजन एक ही बात को कहते थे योगी जी एक बात बताओ और अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण कराओ, यानी एक ही प्रश्न हमारे सामने उठता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज इस प्रश्न का भी उत्तर प्रदेश ने दे दिया है, देश ने दे दिया है। अब बारी आप सबकी है। आज आप देख रहे होंगे विकास के कार्य कैसे कैसे हो रहे हैं। कोई सोचता था स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में? स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं, अच्छी सड़कों बनाने का कार्य, लटकते हुए झूलते हुए तारों से निजात दिलाने के लिए आईपी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था के साथ ऑटोमेटिक ट्रैफिक व्यवस्था का संचालन हो रहा है और साथ साथ सेफ सिटी के निर्माण की कार्रवाई हो रही है, स्मार्ट रोड का निर्माण हो रहा है, अच्छे बस स्टेशन बन रहे हैं, सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है, मंडी का निर्माण हो रहा है, कन्वेंशन सेंटर बन रहे हैं, बस स्टेशन बन रहे हैं, जनता को बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने के लिए तमाम प्रकार की कार्रवाई। याद करिए 2017 के पहले अयोध्या में बिजली ही नहीं आती थी और आज बिजली है कि जाती नहीं है अयोध्या से, यही तो अंतर है। पिछली सरकारें अंधकार में रहने के अभ्यस्त थी इसलिए बिजली नहीं देती थी और हमारी सरकार अयोध्या को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवा रही है। 2017 के पहले स्ट्रीट लाइट बेतरतीब थी, कोई पीली लाइट जलती थी, कोई नहीं जलती थी, जब लाइट ही नहीं रहती तो जलेगी कैसे। आज एलईडी स्ट्रीट लाइट से पूरी अयोध्या जगमगा रही है। अयोध्या को नगर निगम बनाने का काम यह डबल इंजन सरकार ने किया है। अयोध्या को एक देसी फसा लाइटिंग के साथ जोड़ने की कार्रवाई हुई है और अयोध्या के राम जी की पेड़ी 2017 के पहले जो पानी एक बार सरयू जी से आ गया वहीं सड़ता रहता था, आज आप देखते होंगे एक तरफ से पानी आता है और दूसरी तरफ से निकल जाता है। कोई भी जाए ऐसे एहसास होता है राम जी की पेड़ी में स्नान करने का जैसे हरिद्वार की हर जी की पेड़ी में कोई स्नान कर रहा हो, गंगा जी में हर जी की पेड़ी हरिद्वार में स्नान कर रहा हो। ये नई अयोध्या की तस्वीर है। ये नया अयोध्या न केवल विकास की दिशा बल्कि निवेश की दिशा भी एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। और भाइयों बहनों, आज यहां पर आए हुए उद्यमियों से, व्यापारियों से, चिकित्सकों से, समाज जीवन के विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए महानुभावों से मैं एक अपील करूंगा, आपके द्वारा बनाया जाने वाला एक विद्यालय, एक चिकित्सालय, एक उद्योग या किसी भी क्षेत्र में किया जाने वाला जो कार्य है वह कार्य हमारे लिए एक निवेश है और आपके इस निवेश को सुरक्षित रखना और सुरक्षित माहौल देना यह हमारा दायित्व है। सरकार इसके लिए हर प्रकार की सुविधा आपको देने के लिए तत्पर है। अयोध्या के विकास के कार्य के लिए अब तक जो सहयोग अयोध्या वासियों ने दिया है वो अभिनंदनीय है। हर मार्ग 2 लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन, 6 लेन से 8 लेन बनाने की कार्रवाई हो रही है। हो सकता है कि मार्ग निर्माण के समय कुछ व्यापारियों को हटना पड़े,
लेकिन मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं, हर व्यापारी का पुनर्वास भी करेंगे और उसको कंपनसेशन भी दिलाएंगे। कोई उनके साथ शोषण नहीं कर पाएगा, कोई उनका शोषण नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भाइयों बहनों, जो ये पुनर्वास का कार्य होगा, हो सकता है एक महीना, दो महीना, चार महीना लगेगा, लेकिन आप देखना, ये चार महीने का विश्राम आपको जब एक सुरक्षित पुनर्वास की सुविधा से जोड़ेगा, आपका बिजनेस कई गुना बढ़ेगा। क्योंकि आने वाले समय में अयोध्या के अंदर जिस रूप में यात्रियों की संख्या बढ़ने जा रही है, पर्यटकों की संख्या बढ़ने जा रही है, वह एक नए अयोध्या के रूप में लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने, व्यापारी और उद्यमियों को अपने व्यापार को आगे बढ़ाने और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, कोई सोचता था कि नगरीय क्षेत्रों में भी गरीबों को आवास मिलेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम लोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध करवा चुके हैं। अकेले शहरी क्षेत्र में 17 लाख लोगों को फ्री में आवास दिया गया है। और अभी ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो हमारे पास 8,62,000 नए आवास आ चुके हैं। 1,00,000 आवास हम मुख्यमंत्री आवास योजना से उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। गरीब के लिए आवास की कमी नहीं, हजारों आवास हमने आपके अयोध्या में भी यहां के उन जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए हैं जिनके सर्टिफिकेट अभी वितरित हुए हैं। पहली बार आपने देखा होगा पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत हर गरीब के लिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए, पटरी व्यवसायी के लिए ब्याज फ्री लोन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। और ब्याज फ्री लोन के माध्यम से उसे व्यवसाय की सुगमता का रास्ता दिखाने का प्रयास हो रहा है। तकनीक के माध्यम से आज निवेश करना आसान है। सिंगल विंडो सिस्टम हमने लागू किया है। एक बार आवेदन किया, 340 से अधिक सेवाएं आपको अपने आप सिंगल विंडो के माध्यम से मिलती हुई दिखाई देंगी। एमएसएमई में निवेश करने के लिए 1,000 दिनों तक आपको कहीं भी किसी से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं, आपकी प्रक्रिया पूरी कब होती रहेगी। आपने आवेदन कर लिया, अपना निवेश करिए, अपना व्यवसाय प्रारंभ कर दीजिए। भाइयों बहनों, और इससे भी बढ़कर के 2017 के पहले व्यापारी पलायन कर रहा था, पुलिस भागती थी अपराधियों से और अपराधी धमाके के साथ कहीं जाकर कहीं विस्फोट करता था, कहीं लूट करता था, कहीं अराजकता फैलाता था, कहीं गुंडागर्दी करता था, कहीं फिरौती मांगता था, कहीं गुंडा टैक्स लेता था। और आज आप देख रहे होंगे अपराधी गायब हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने तो अपना वेशभूषा भी बदल दिया है। जो पहले दादा बन करके घूमते थे, आज सिर झुका करके ठेला चलाते हुए भी दिखाई देते हैं। भाइयों बहनों, अच्छा है मेहनत करके कमाना, ये स्वावलंबन की निशानी है, सम्मान की निशानी है। चोरी से किसी का छीन लेना, ये कायरता की निशानी है। और हमें कायर नहीं बल्कि स्वावलंबन के साथ अग्रसर करने के लिए लोगों को आगे बढ़ाना होगा। एक नए उत्तर प्रदेश में आज वही स्थिति है। आज विकास के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अयोध्या को जोड़ने वाला हर मार्ग, अयोध्या से लखनऊ का, अयोध्या से गोरखपुर का, अयोध्या से गोंडा का, अयोध्या से वाराणसी का, अयोध्या से प्रयागराज का, ये जितने मार्ग हैं सबको 4 लेन 2 लेन 6 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। और इसलिए विकास जिस तीव्रता के साथ आगे बढ़ रहा है, उसी तीव्रता के साथ विकास की नई सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी कार्य करना होगा। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि विकास के इन कार्यक्रमों को हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा सकें, इसके लिए आज प्रातः काल से यहां पर आकर के हम कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, कहीं कोई पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। निवेश के लिए ढेर सारे अवसर हैं। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में आइए, चलाइए, यहां की सुविधाएं दीजिए, होटल खोलिए, अच्छे रेस्टोरेंट बनाइए, अच्छी पर्यटन की सुविधाओं की दिशा में आगे बढ़िए,
तमाम अन्य चीजें हैं। अयोध्या को उस पोटेंशियल को हमें आगे बढ़ाना होगा और इसके लिए अयोध्यावासी तैयार होंगे इस विश्वास के साथ। भाइयों बहनों, ढेर सारी स्कीम है केंद्र और राज्य सरकार की जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन के कारक बनेगी। उन योजनाओं के साथ हम सब जुड़ पाएंगे इस विश्वास के साथ। आज 1000 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं के लिए मैं फिर से अयोध्यावासियों को हृदय से बधाई देता हूं। यहां पर उपस्थित अपने जनप्रतिनिधियों को भी बधाई देता हूं कि उनके प्रयास से सभी कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि विकास की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़नी चाहिए। हम भी अयोध्या के विकास में सहभागी बन पाएंगे, यह हम सबके लिए सौभाग्य का विषय होना चाहिए और सौभाग्य के साथ हम सब जुड़ेंगे। इसके लिए मैं यहाँ के सभी प्रबुद्ध जनों से, आम नागरिकों से अपील करना चाहूंगा और विश्वास के साथ इस आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार स्थानीय सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। आप सबका सानिध्य और स्नेह इसी प्रकार से डबल इंजन सरकार के साथ रहने चाहिए, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।